हेलो एवरीवन, वेलकम टू नंची व्लॉग्स। आई होप कि आपको मेरा प्रीवियस एपिसोड अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने प्लेसेस टू ईट इन सूरत बताया था। प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा कि मैंने लोचो ट्राई किया, वहाँ की फेमस ऊंगी पूरी ट्राई की, खाजा ट्राई किया, फलूदा ट्राई किया और बहुत सारी चीज़ें। सो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो देखना ना भूलें, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी हम लोग आगे चलते हैं वडोदरा की तरफ। तो अभी हम लोग सूरत से निकल रहे हैं वडोदरा के लिए। सूरत से वडोदरा का रास्ता 160 किलोमीटर है, जिसके लिए लगते हैं 2.5 घंटे। हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले हैं और आप देख सकते हैं कि रोड्स एकदम क्लियर है, वाइड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। लकीली हमें बहुत अच्छा रोड मिला, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जल्दी ही सॉल्व हो गया था। अभी हम लोग वडोदरा सिटी में एंटर कर रहे हैं। आप देखिए कितना पीसफुल है। सिटी में एंटर करने के बाद हम लोगों ने अपने होटल में चेक इन किया। दैट वाज माय रूम ऑफ आवर होटल इन वडोदरा, ईस्टर्न रेजिडेंसेस। दैट्स अ 4-स्टार होटल इन वडोदरा एंड उसकी लोकेशन मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आई एम लविंग द वाइब्स ऑफ दिस होटल। अभी नया बना है एंड इट्स सो कम्फर्टेबल एंड लाइवली, मस्त अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हम लोग अपना ब्रंच करने के लिए सासू मास गुजराती थाली में आ गए, बहुत ही फेमस है। चलिए हम लोग यहाँ पे लंच करते हैं। तो वडोदरा का ब्रंच हमारा चालू होता है सासू मास गुजराती थाली से। अभी हम लोग बजने को है, ये लोग 11:30 को खोलते हैं। आई थिंक वी आर बिट टू अर्ली, बट स्टिल हम लोग फर्स्ट कस्टमर हैं। और हम लोगों की थाली भर चुकी है फुलका, लहसुन की चटनी, मीठी चटनी, चटनी, सैलेड, पनीर की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, दही वाली भिंडी, अरहर दाल, गुजराती कढ़ी, पापड़, मग दाल और शीरो, बासुंदी, मीठी कचौरी, बाजरा ना रोटलो, उसके ऊपर घी और गुड़, ये मटर फरसान में ढोकला और मटर करंजी, और ये है फुलका, और ये है मेथी का चीला। इट्स सो टेम्पटिंग, और साथ में छाछ। लेट्स एंजॉय इट नाउ। यहाँ का स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल और वेलकमिंग था, हमें खाना खा के बहुत मज़ा आया। यू कैन सी बहुत ही फुलफिलिंग थाली है। अलकापुरी ब्रांच की सासू मास गुजराती थाली हम लोगों ने यहाँ पे खाई एंड इट वाज अमेजिंग। 270 रुपीज पर पर्सन इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस इज सच वर्थ प्राइस। आप यहाँ पे आ सकते हैं और सारे गुजराती डिशेस जो कि उनका सेट मेन्यू है उसमें से खा सकते हैं। आई टोटली लव्ड इट। सासू मास गुजराती थाली खाने के बाद हम लोग निकले पेड़ा खाने के लिए। मैंने वडोदरा का बहुत ही फेमस पेड़े की दुकान सुनी थी, जिसका नाम है पेंडा वाला दुलीराम रतनलाल शर्मा, तो चलिए वहाँ चलते हैं। अभी मैं हूँ वडोदरा की फेमस पेंडा लाल दुलीराम दुकान पे, जहाँ का पेड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा था, तो मैंने सोचा आज मैं ट्राई करती हूँ। तो ओनर मेरे साथ है, वो थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताएंगे। सबसे पहले मैं पूछती हूँ इनसे कि दुकान कितनी साल पुरानी है। हमारी दुकान लगभग 150 ईयर्स ओल्ड, 6th जनरेशन। हमारे यहाँ लाल पेड़ा, सादा पेड़ा, दुलीराम पेड़ा बोलते हैं वो पेड़ा, मलाई पेड़ा, केसरी पेड़ा, बर्फी। तो लाल पेड़े की बात कर रहे हैं, मैंने अभी मेरे लिए लिया है एंड इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। आपको ज़रूर खाना चाहिए, उसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप आते हैं और पैक करवाते हैं तो लगभग 25 दिन जितना चलता है वो, 15 दिन जितना चलता है एंड इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। आप यहाँ पे आइए, मेल्ट इन माउथ पेड़े आपको खाने को मिलेंगे। इसकी लोकेशन जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप कभी भी वडोदरा आते हैं तो यहाँ आना ना भूलें। पेड़ा खा के और पैक करवा के हम लोग निकल रहे हैं पातालेश्वर मंदिर, वडोदरा का बहुत ही फेमस मंदिर, जिसकी बहुत बड़ी शिव जी की प्रतिमा है। चलिए देखते हैं। अभी मैं हूँ वडोदरा की फेमस शिव स्टैचू, जो मेरे पीछे है, आपको दिख रही होगी, बहुत ही सुंदर है। इवनिंग में आने के लिए मुझे लगता है कि बहुत प्लेजेंट होगा, यहाँ पे आप सनसेट देख सकते हैं और इवनिंग में आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोपहर में आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से आगे अहमदाबाद के लिए निकलना है, बट दिस इज सच एन आई प्लीजिंग व्यू। आप देखिए कलेश्वर महादेव मंदिर वडोदरा की, ये जो लेक है, एक परफेक्ट लोकेशन है अगर आपको सनसेट देखना है।
शिव स्टैचू जो ये वडोदरा में है, इसकी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वडोदरा में घूमने और खाने के लिए तो बहुत सारी जगह है, एक दिन में तो सब कवर नहीं हो सकती। और क्योंकि हम लोग एक दिन के लिए ही यहाँ पे आए थे, तो जो भी फेमस जगह थी वहाँ पे मैं जाके और उनका फेमस फूड ट्राई करने वाली हूँ। अभी मैं वडोदरा की फेमस श्रीराम टमटम वाला के यहाँ दुकान से अपने लिए टमटम लेके आई हूँ। टमटम नाम कितना इंटरेस्टिंग और फनी लगता है ना। मैंने उनसे पूछा कि टमटम होता क्या है, तो उन्होंने बताया कि वो मिक्स फरसान यानी कि मिक्स नमकीन होती है, जिसके अंदर गाठिया, पापड़ी, चिवड़ा, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है। वो दो प्रकार के भी होते हैं, एक तो वो लोग ड्राई बेचते हैं और एक होता है अंदर भेल जैसा या चपटे चने जैसा, जिसके अंदर नींबू और मिर्ची, कोथमरी और अनार वगैरह डाल के आप खा सकते हैं। वो भेल पूरी जैसा लगता है, लेकिन वो सिर्फ 5 बजे बाद उनके पास अवेलेबल था। और दिन भर वो दुकान आपको ड्राई फरसान यानी कि पाव भर के पैकेट से लेकर 1 किलो के पैकेट तक देती है। 1 किलो का भाव 240 रुपये किलो है। ये दुकान वडोदरा की काफ़ी फेमस है, इट्स लाइक एस्टैब्लिश्ड सिंस 1947। इसकी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर बताइए अपने एक्सपीरियंस, मुझे अच्छा लगेगा। फन फील्ड डे बिताने के बाद अभी मैं वडोदरा से अहमदाबाद से निकल चुकी हूँ। हम लोगों ने लिया है वडोदरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे। ओ माई गॉड, मैं कुछ साल पहले आई थी, इट वॉज सो गुड। मतलब तब वो शायद नया ही बना था, लास्ट टाइम कुछ साल पहले आई थी तभी एक्सप्रेस वे नया था। तब यहाँ पे कोई ट्रक्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा कार्स नहीं थी, टोल भी नहीं था उस टाइम पे। जिस हिसाब से ट्रक्स दोनों लेन्स को पकड़ के चलते हैं, उस वजह से स्पीड तो जाती है। ये देखो, अहमदाबाद से हम लोग सिर्फ 43 किलोमीटर दूर हैं। अमेजिंग ड्राइव है, मज़ा आ गया। और ये स्काई देखिए, क्लाउड्स, वाओ। रोड्स भी खाली है और बहुत मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग सिटी में एंटर हो गए हैं और ये देखिए, आपको ट्रैफिक भी काफ़ी मॉडरेट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वी हैव रीच्ड अहमदाबाद एंड आज हम लोग स्टे कर रहे हैं ग्रैंड भगवती में। चलिए मैं आपको उसका रूम टूर करवाती हूँ। एंटर करते ही राइट साइड में आपको वॉशरूम है। एवरेज साइज रूम है एंड सोफा सेट है एंड एक डबल बेड है। आई थिंक इनफ है फॉर अ डबल बेडरूम। डिलक्स रूम हम लोग ने लिया है एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। अहमदाबाद आए और माणिक चौक ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज का हमारा डिनर माणिक चौक में, जिसका वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में आ रहा है, ज़रूर देखिएगा। बाय।